हाय गाइस, वेलकम टू एरोमंत्र। मेरा नाम है धनलक्ष्मी मिरीदा और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ फिगर ऑफ स्पीच। जी हाँ, फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं अलंकार। ये 9th-10th स्टैंडर्ड में स्टार्ट होता है और ये पोएटिक डिवाइसेस है, यानी ये पोएट्री में ज़्यादा करके पाई जाती है। नाउ फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, मैं इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले आपको बताती हूँ। फिगर ऑफ स्पीच यानी किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही फ्लावरी बनाना, फ्लावरी यानी उसको ब्यूटिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके सामने गाना गा रहा है और आप उसे कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा गाया, तो ही विल से थैंक यू। ओके, एक नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर आपने उसे कहा कि आपकी आवाज़ कोयल जैसी है, तो वो ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा, राइट? सो फिगर ऑफ स्पीच एक बहुत ही इम्प्रेसिव लैंग्वेज है। अपनी बात को ज़्यादा स्पष्टी से समझाने के लिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। अब मैं एक और बात बताना चाहती हूँ जो जनरल मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की। फिगर ऑफ स्पीच का जो प्लूरल है यानी बहुवचन, वो फिगर ऑफ स्पीचेस नहीं होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, फिगर्स ऑफ स्पीच जिसे हम हिंदी में कहते हैं अलंकार। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच लिखे हैं। सबसे पहले हमारा एलिट्रेशन, ALLITERATION। मैंने इसकी स्पेलिंग क्यों बताई, क्योंकि एलिट्रेशन की स्पेलिंग में ही हमको क्लू मिल जाता है कि ये किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमें डबल एल है, यानी जो ल लेटर है वो दो बार रिपीट हो रहा है। तो कुछ इसी तरीके से एलिट्रेशन होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार, और उसमें होता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंटल साउंड। कॉन्सोनेंटल साउंड यानी हिंदी में हम कहते हैं व्यंजन, जैसे क ख ग घ, ये जो साउंड है, ये साउंड जब बैक टू बैक रिपीट हो, साउंड बोल रही हूँ लेटर नहीं, जब ये साउंड बैक टू बैक रिपीट हो तो फिर उसे एलिट्रेशन कहते हैं। इसे हम टंग ट्विस्टर्स के रूप में बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने बचपन से सुना होगा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलते हैं, पके पेड़ पे पका पपीता, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये जो भी है ये सारा एलिट्रेशन है। चंदू के चाचा च च रिपीट हो रहा है, पका पेड़ पका पपीता, प प रिपीट हो रहा है, राइट? सो ये जो टंग ट्विस्टर्स है इसमें रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंटल साउंड है, यानी कॉन्सोनेंटल साउंड इंपॉर्टेंट है बिकॉज वाउल साउंड्स के लिए हमारे पास दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है। तो कॉन्सोनेंटल साउंड का हो गया है ये एलिट्रेशन। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, हम देख सकते हैं, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर करके एक हमारे पास टंग ट्विस्टर है जिसमें श और स साउंड का रेपिटेशन हो रहा है। अब एक और जो गलत फहमी बच्चों को होती है वो ये है कि जनरली वो लोग सोचते हैं बैक टू बैक वर्ड्स होते हैं, यानी जैसे शी सेल्स सी शेल्स स स साथ में है, एक के पीछे एक, बट ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। बीच में कोई और भी शब्द हो सकता है और उसके बाद वो ध्वनि रिपीट हो सकती है। जैसे मैंने ये वाली एग्जाम्पल लिखी है, फाउल इज फेयर एंड फेयर इज फाउल। फाउल इज फेयर एंड फेयर इज फाउल में फ साउंड रिपीट हो रहा है, लेकिन इनके बीच में ये इज वर्ड आ चुका है। दैट डजंट मीन कि ये एलिट्रेशन नहीं है, ये जरूर एलिट्रेशन है, फ का एलिट्रेशन है जिसके बीच में एक और शब्द है। तो इस बात का भी ध्यान दीजिए, इससे हमें समझ गया क्या होता है एलिट्रेशन। अब हम दूसरा फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। यह फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, इसे सिमाइल नहीं बोलते हैं, सिमिली बोलते हैं, हिंदी में उपमा अलंकार होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंपैरिजन होता है। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था शुरू में कि तुम्हारी आवाज कोयल जैसी है, ऑब्वियसली कोयल जैसी कूकू नहीं है, उसमें स्वर है, उसमें सुंदरता है, तो हमको हम उसको कंपेयर करते हैं किसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट से, जैसे चांद सा सुंदर चेहरा, झील सी नीली आंखें, ये कोई गाना है। ओके, तो इस तरीके से हम जो है कंपैरिजन करते हैं ताकि ब्यूटी को और डिफाइन कर सके या किसी भी चीज को और ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सके। लेकिन सिमिली में एक चीज का ध्यान देना है, इसमें जो कंपैरिजन है उसके लिए हम कुछ शब्द का इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करते वक्त, वो शब्द है एज और लाइक। या तो वहां पे एज होगा या वहां पे लाइक होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एज का एक एग्जाम्पल, लाइक का एक एग्जाम्पल लिखा है, ही इज क्वाइट लाइक अ माउस। ओके, तो वो एक चूहे की तरह शांत है। ओके, ऑब्वियसली दैट डजंट मीन वो चूहा है, उसका मतलब है वो चूहे जैसा धीमी आवाज में बात करता है। दूसरा मैंने लिखा है एग्जाम्पल, योर आईज आर लाइक द सन। दैट डजंट मीन बहुत तेज और एकदम जला देने वाली, नहीं, उसका मतलब है ब्राइट एंड ब्यूटिफुल एंड शाइनी। तो अगर जब आप किसी को कहते हैं यार योर आईज आर लाइक द सन, तो वो खुश हो जाता है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। तो आप उसकी आंखों को सूरज से कंपेयर करके एक सिमिली के रूप में फिगर ऑफ स्पीच देते हैं।
इससे जो है हमारी पोएट्री बहुत ही ब्यूटिफाई हो जाती है। ये काफी इजी है आइडेंटिफाई करना, जिस भी लाइन में एज और लाइक का इस्तेमाल करके कंपैरिजन किया गया है वो हो गया आपका सिमिली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच जो कि है मेटाफर। मेटाफर यानी रूपक अलंकार होता है हिंदी में। इसमें भी कंपैरिजन है लेकिन इसमें एज और लाइक का प्रयोग नहीं है, इसलिए मैंने उसे क्रॉस किया है। इसमें कंपैरिजन है बिना एज और लाइक के। जैसे कि मैंने कुछ उदाहरण दिया है, ही वॉज अ लायन इन द बैटल फील्ड। इसमें हमने क्या कहा है कि वो बंदा जो है वो एक शेर की तरह लड़ाई करता है युद्धभूमि में। वो शेर नहीं है, वो शेर की तरह लड़ाई करता है, लेकिन हमने यहाँ पे एज या लाइक का इस्तेमाल करके उसे कंपेयर नहीं किया है शेर से, हमने उसे डायरेक्टली बोल दिया ही इज अ लायन, तो वो एक शेर जैसा है। यहां मैंने सेम जो यहाँ पर हमारा सिमिली का सेंटेंस था उसको मेटाफर में कन्वर्ट किया है, तो कुछ इस प्रकार हो जाता है, यू आर माई सनशाइन। तो यू आर लाइक माई सनशाइन नहीं, यू आर माई सनशाइन, यानी तुम मेरी लाइफ में ब्राइटनेस लाती हो। अंडरस्टैंडिंग? देन यहाँ पे अगेन सनशाइन से कंपेरिजन किया गया है बट विदाउट एज और लाइक। एंड देन फाइनली एक और एग्जाम्पल मैंने दिया, शी वॉज द टावर ऑफ स्ट्रेंथ इन देयर ट्रबल। टावर ऑफ स्ट्रेंथ तो मतलब वो इमारत है वो लड़की, ऑब्वियसली नहीं, वो इमारत नहीं है, वो इमारत जैसी है। यानी एक इमारत कैसा होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसी प्रकार वो भी स्ट्रांग है। सो ये जो मेटाफर है इसमें भी कंपेरिजन है, बट ये जो आपको कंपेरिजन मिलेगा इसमें एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं होगा। तो जहां पे आपको एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं दिख रहा है बट कंपेरिजन दिख रहा है, तो वो हो जाता है हमारा मेटाफर। सो यहां तक हमने समझ लिया मेटाफर क्या होता है। अब हम देखते हैं बाकी तीन जो मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच आपको सिखाने हैं वो क्या है। ओके, तो अब हम सीखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। सो नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हम समझ सकते हैं मानवीकरण, यानी किसी को इंसान का रूप देना, किसी को सजीव रूपांतरण करना, यानी किसी को ह्यूमनाइज करना। फॉर एग्जाम्पल नॉन लिविंग थिंग्स है, सो द चेयर मूव टूवर्ड्स मी। ऑब्वियसली चेयर कैन नॉट मूव टूवर्ड्स यू, इट कैन नॉट वॉक, इट इज नॉन लिविंग। तो इससे हम समझते हैं वहां पे पर्सोनिफिकेशन हो गया, सबसे ईजी वाला है। फॉर एग्जाम्पल आई किस्ड द हैंड ऑफ डेथ। डेथ का आपने कभी हाथ देखा है? नहीं, लेकिन हम इंग्लिश में कहते हैं कि डेथ के हाथ होते हैं जो आपको आके पकड़ ले, यानी डेथ जो एक नॉन लिविंग बीइंग है उसको हम ह्यूमनाइज करके उसके हैंड बता रहे हैं, तो वो हो गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है इट वाज अ प्रॉमिसिंग मॉर्निंग। बहुत ही ब्राइट और प्रॉमिसिंग मॉर्निंग था। ऑब्वियसली एक मॉर्निंग जो है आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती, आपको वादा नहीं दे सकती कि आगे का दिन अच्छा जाएगा, तो अगेन हमने मॉर्निंग को ह्यूमनाइज करके बोला कि मॉर्निंग हमें प्रॉमिस कर रही है। नेक्स्ट देखिए द सन वॉज स्माइलिंग एट मी, यानी ऑब्वियसली इट वॉज शाइनिंग ब्राइटली। तो सन वॉज स्माइलिंग एट मी मतलब सन मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। आपने कभी देखा है सन की स्माइल? ऑब्वियसली नो। तो इसमें हम सन को अगेन ह्यूमनाइज कर रहे हैं और उसको स्माइल दे रहे हैं, यानी वो ब्राइटली शाइन कर रहा है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं टाइम रन अवे फ्रॉम हिम। माई टाइम इज रनिंग अवे, हम बोलते हैं वक्त भाग रहा है। कभी वक्त को भागते हुए देखा है? नहीं, ऑब्वियसली। सो हम यहाँ पे इसका मतलब जो है हम उसको बहुत ही ह्यूमनाइज करके उसकी मीनिंग को डीप कर रहे हैं, तो हम कहते हैं वक्त भाग रहा है, टाइम रन अवे फ्रॉम हिम। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हमेशा लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। लोग कहते हैं हाइपरबोल। प्लीज, इट इज नॉट हाइपरबोल, इट इज हाइपरबली। ओके, हाइपरबली खली बली पैसा बली। ओके, सो हाइपरबली तो उसको हिंदी में हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट करना, यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना। ओके, जो कि आप हमेशा क्लास में करते हो हाइपरबली। सो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, ही इज स्ट्रॉन्गर देन द माउंटेन। किसी को माउंटेन से ज्यादा स्ट्रांग देखा है? ऑब्वियसली नहीं, लेकिन किसी चीज को ज्यादा हम ज्यादा एग्जैजरेट करने के लिए, यानी उसका ज्यादा हम बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए, इफेक्ट दिखाने के लिए हम बोलते हैं कि ही इज स्ट्रॉन्गर देन द माउंटेन। या हम बोल सकते हैं इट वॉज डेथली साइलेंस, यानी इतनी शांति जैसे किसी की मौत हो गई हो। ऑब्वियसली इतना साइलेंस नहीं होता। या फिर हम बोलते पिन ड्रॉप साइलेंस, कि इतनी शांति की पिन भी अगर नीचे गिरा है तो उसकी आवाज ना आए। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता, इतनी शांति तो कभी नहीं हो सकती। तो ये है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। नेक्स्ट है आई डाइड लाफिंग एट हिज जोक। आप ये जरूरी आप जरूर करते हो व्हाट्सएप पे, जब आप मैसेज करते हो LOL, 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 यानी लाफ आउट लाउड, बहुत जोर से हंस रहे हो जबकि आप हंस भी नहीं रहे होते हो।
ROFL, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, मतलब लोटपोट होके हंस रहा हो और आप हंस भी नहीं रहे हो, तो ये सारा एग्जैजरेशन होता है. आई डाइड लाफिंग एट द जोक, मैं हंसते हंसते मर गया, एक बात बताऊंगी तुम पागल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पागल नहीं होता कोई बात सुन के. ये होती है हाइपरबली यानी अतिशयोक्ति अलंकार. नेक्स्ट आता है, इसकी भी प्रोनंसिएशन बहुत ही मजेदार हो जाती है लोगों के मुंह से सुनने पे, इसे हम कहते हैं बहुत ईजी है गाइस, ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया. ओके, ओनोमेटोपिया, इसे ओनोमेटोपोया नहीं बोलना है, ओनोमेटोपिया, जिसे हम कह सकते हैं साउंड वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनमें साउंड हो. आपने बचपन में एक पोएम पढ़ी होगी, ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म, उसमें था क्वैक क्वैक, मू मू, ये सब एनिमल्स के आवाज थे. तो वो जो भी साउंड्स है, जो भी वर्ड्स है जिसमें हमको साउंड भी सुनाई देता है, जैसे अगर मैं कहूं द काउ वॉज मूविंग, तो आपको वो मू साउंड भी आता है काउ का, राइट, या द डक वॉज क्वैकिंग, तो वो क्वैक क्वैक साउंड भी आता है. तो वो जो वर्ड्स है जिसमें आपको साउंड भी सुनाई दे, जैसे द स्नेक वॉज हिसिंग, तो वो हिस साउंड आता है, वो होता है हमारा साउंड वर्ड्स यानी ऑनोमेटोपिया. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे द लीव्स वर रसलिंग, रसल, वो लीव्स जो है एक दूसरे में जब लड़की आवाज आती है वो रसलिंग साउंड है. नेक्स्ट है द डोर वॉज स्क्वीकिंग, चूहे की जो आवाज आती है दरवाजा बंद करने पे, तो स्क्वीक में ही हमको वो आवाज का इफेक्ट आ जाता है. और भी कुछ शब्द लिखे मैंने, जैसे बूम, बूम में भी हमको आवाज आ जाती है, बैंग, अगेन लाउड साउंड, मियाओ, वूफ, ऑल दीज साउंड्स आर ऑनोमेटोपिया साउंड्स. ओके, तो अब हमने समझ लिया सारे फिगर्स ऑफ स्पीच जो 6 मैंने आपको सिखाए. अब मैं आज आपको एक क्वेश्चनेयर देने जा रही हूँ. क्वेश्चनेयर यानी हम एक क्विज खेलेंगे जिसमें मैं अब कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी और आप उसको आंसर करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और उसका सही उत्तर मैं आप लोग को जल्दी बताऊंगी. इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना इसका अंडरस्टैंडिंग हुआ है और हम नेक्स्ट ग्रामर सेशन में आगे बढ़ेंगे. तो मैं अब आपको लिख के देती हूँ कुछ क्वेश्चंस जिसका आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिए. ओके, सो मैंने आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए हैं. ये मैंने 6 क्वेश्चन लिखा है, मैं साइड में आ जाती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, सो मैं क्वेश्चंस रीड करके सुना देती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है, माय लव इज लाइक अ रेड रोज, ठीक है, आपको गेस करना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. नेक्स्ट है डेथ वेयर इज thy स्टिंग, thy का मतलब होता है योर. ओके, नेक्स्ट है आई क्राइड अ रिवर फॉर यू. नेक्स्ट, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. नेक्स्ट, ही क्लोज द बुक विद अ थड. एंड फाइनल, हर आईज आर बिगर दैन द मून. तो आप गेस कीजिए इसमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच किसके लिए आएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बताऊंगी कि किसका जवाब सही है. तो इस तरीके से गाइस हमने समझ लिया फिगर्स ऑफ स्पीच, ये बेसिक फिगर्स ऑफ स्पीच है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.